नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम एमएस वर्ड में आईडी कार्ड बनाना सीखेंगे। स्क्रीन के ऊपर ये जो आईडी कार्ड का डिज़ाइन आप देख रहे हैं, इसको मैंने 3 से 4 मिनट के अंदर ही डिज़ाइन किया है। अब मैं आपको ये डिज़ाइन करना सिखाऊंगा, तो ये 10 से 15 मिनट लगेगा, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका बहुत काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, आगे भी इस तरीके का पावरफुल वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। पहले हम यहाँ पे एक शेप ड्रॉ करेंगे, राउंडेड रेक्टेंगल वाला शेप इंसर्ट करेंगे। इसके लिए आपको जाना है इंसर्ट में और शेप में, शेप्स ऑप्शन में ही ये राउंडेड रेक्टेंगल वाला शेप मिलेगा। इसके ऊपर क्लिक कीजिए और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, आ गया है। अब आप चाहे इसका जो कॉर्नर है इसको और भी थोड़ा ज्यादा राउंड रखने के लिए आपको यहाँ पे एक छोटा सा येलो कलर का एरो दिखाई देगा, बस आप अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और इसको आगे इस तरीके से आप ज्यादा राउंड भी रख सकते हैं या फिर आप अपने हिसाब से इसका राउंड भी कर सकते हैं। तो हो गया है। अब ये जो शेप को कलर करने के लिए आपको जाना है फॉर्मेट में और ये शेप फील्ड में आना है। शेप फील्ड में आपको देखिए, मैंने पहले से एक दो कलर सिलेक्ट करके रखा, ये कलर को आप ले सकते हैं। मैं ये कलर को ऐसे सिलेक्ट कर लिया। अगर आप चाहे ये कलर पसंद नहीं है तो आप और भी मोर कलर में जाके यहाँ से आप कलर सेट कर सकते हैं। मैं ये वाला कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इसको सिलेक्ट करके ये वाला कलर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट तो हो गया है। अब मुझे इसका हैंडल बनाना है जहाँ पे वो धागा रहेगा। तो धागा रखने के लिए यहाँ पे एक छोटा सा हैंडल लगाएंगे। हैंडल लगाने के लिए आप फिर से आपको जाना है इंसर्ट में और शेप में आने के बाद ओवल वाला जो शेप है, आप ओवल वाला शेप लेके यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं या फिर और एक काम कर सकते हैं। आप इस शेप के ऊपर क्लिक कीजिए, फॉर्मेट मेन्यू में जाने के बाद जैसे कि इसके ऊपर क्लिक करेंगे और इंसर्ट करेंगे, शेप का ड्रॉइंग टूल्स आपको यहाँ पे दिखाई देगा। फॉर्मेट में बहुत सारे ऑप्शन है। इस ऑप्शन में पहला वाला जो ग्रुप है इंसर्ट शेप का, ये इंसर्ट शेप से ही आप ओवल वाला जो शेप है इसको ले सकते हैं। इसको आप ऐसे अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। इसका भी कलर सेट करने के लिए आपको शेप फील में जाना है और पहले से रखा हुआ सिलेक्ट कलर को आप ऐसे सिलेक्ट भी कर सकते हैं। इसका जो आउटलाइन है वो रहने देते हैं, लेकिन ये जो हैंडल है इसको पीछे भेजना है, ये इस तरीके से नहीं रहेगा। इसको पीछे भेजने के लिए पहले ये छोटे वाले शेप को सिलेक्ट करना है और टेक्स्ट ड्रॉपिंग में जाना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद बिहाइंड टेक्स्ट का एक ऑप्शन दिखेगा, इस बिहाइंड टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कीजिए, ये पीछे चला जाएगा। इस तरीके से ये सेट हो गया। आप इसको बीच में रखने की कोशिश कीजिए, आप चाहे जितने भी कोशिश कर लो बीच में नहीं रहेगा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाएगा। इसके लिए आपको और एक काम करना है, पहले ये जो छोटे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट प्रेस करते हुए बड़े वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए, या फिर पहले बड़े वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए, शिफ्ट प्रेस करते हुए पीछे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए, छोटे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए। मतलब शिफ्ट प्रेस करके दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट कीजिए। अब आपको जाना है अलाइन में और यहाँ पे अलाइन सेंटर का एक ऑप्शन दिखेगा, इस अलाइन सेंटर के ऊपर क्लिक कीजिए, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। अब आपको ये जो छोटा वाला शेप है और बड़ा वाला शेप है ये दोनों एक साथ सिलेक्ट हो गया है, इसको थोड़ा हम अलग रखेंगे। अलग रखने के लिए आपको जाना है शेप आउटलाइन में और यहाँ से आप आउटलाइन को ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं या ये वाला आउटलाइन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो आउटलाइन है ये बहुत छोटा आउटलाइन है, ये आउटलाइन को थोड़ा आप मोटा रखेंगे। आउटलाइन को मोटा रखने के लिए आपको जाना है शेप आउटलाइन में और यहाँ पे व्हाइट का एक ऑप्शन दिखेगा, इसमें क्लिक कीजिए। आपको जितना मोटा आउटलाइन चाहिए आप यहाँ से ले सकते हैं, मुझे इतना ही चाहिए, मैं इसको ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट हो गया है। अब यहाँ पे छोटा सा होल लगाएंगे। होल लगाने के लिए आप इंसर्ट में जाइए, फिर से शेप में आइए या फिर आप इस शेप को सिलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके यहाँ से भी आप शेप को ले सकते हैं। मैं ये वाला राउंड रेक्टेंगुलर वाला शेप को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ। ये तो हो गया है। इसको थोड़ा आप ऐसे ज़्यादा राउंडेड रखेंगे, इसको नीचे ऐसे, इसको भी बीच में रखने के लिए पहले ये छोटा वाला शेप को सिलेक्ट कीजिए, व्हाइट वाला शेप को शिफ्ट प्रेस करके पीछे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए और फिर से आपको जाना है अलाइन में और अलाइन सेंटर कर देना है, ये बीच में आ जाएगा। और इसका जो आउटलाइन है, मतलब ये छोटा वाला शेप का आउटलाइन है, इसको हटाने के लिए आपको जाना है शेप आउटलाइन में और नो आउटलाइन इस तरीके से कर देना है। ये तो हो गया है, आउटलाइन भी हट गया है। अब इसका लोगो बैठाना है, यहाँ पे जो स्कूल का लोगो रखना है। लोगो रखने के लिए आपको फिर से वही शेप में जाना है, इंसर्ट में, सॉरी शेप में आने के बाद आपको देखिए 5 स्टार वाला कहाँ है, 5 स्टार वाला जो राउंड है, पॉइंट वाला स्टार है, इसको सिलेक्ट कीजिए, 5 नहीं 8 है। इसको आप ऐसे शिफ्ट प्रेस करती है, ध्यान रखिएगा आप कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और इसको आप अपने हिसाब से इसको ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इसको इस तरीके से ड्रॉ कर लिया, इसको आप छोटा भी छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसका जो फिल कलर है, व्हाइट वाला कलर है, ये फिल कलर को आपको रिमूव करना है। रिमूव करने के लिए आपको पहले ये छोटे वाले शेप को सिलेक्ट कीजिए, शेप फिल में जाने के बाद नो फिल कर दीजिए, ये हो गया है। अब शेप आउटलाइन में
थोड़ा सा इसका आउटलाइन ऐसे मोटा कर सकते हैं, इस तरीके से मैंने इस साइज में रख दिया। और इसका आउटलाइन का जो कलर रखेंगे ये व्हाइट रखेंगे, अच्छा दिखेगा। ये हो गया है। अब आपको इसके अंदर एक छोटा सा ओवल रखना है। ओवल रखने के लिए फिर से आपको जाना है यहाँ पे इंसर्ट में जाके, सेप में जा सकते हैं या फिर यहीं पे ही है, ये ओवल वाला जो सेप को सिलेक्ट कीजिए और शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए। ध्यान रखिएगा अपने कीबोर्ड में शिफ्ट की को प्रेस करके रखिए और इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे। ये हो गया है। अब इसको बीच में रखने की कोशिश करेंगे। ये हो गया। अब आप अगर आपको लगता है कि ये थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया है तो आप शिफ्ट प्रेस करके दोनों शेप को एक साथ सिलेक्ट करेंगे और अलाइन में जाके अलाइन सेंटर कर देंगे, ये बिल्कुल बीच में आ जाएगा। और इसको आप इस तरीके से साइड कर देंगे, किसी कोने में साइड कर देंगे। मैंने इसको इस तरीके से साइड कर दिया। अब मुझे क्या करना है, डिटेल लिखने के लिए फिर से जाना है इंसर्ट में और शेप में। फिर से मैं ये इंसर्ट शेप में आ जाऊँगा और यहाँ से वो ये वाले जो शेप हैं इसका नाम क्या है, फ्लो चार्ट वाला जो शेप, इसको सिलेक्ट कीजिए। इसको आप ऐसे रख सकते हैं, मतलब वो डिटेल लिखेंगे, यहाँ पे डिटेल लिखने के लिए इसको इस्तेमाल करेंगे। बस हो गया। अब आपको ये स्कूल का नेम टाइप करना है। स्कूल नेम टाइप करने के लिए आपको जाना है इंसर्ट में। शेप में आने के बाद ये जो देखिए टेक्स्ट वाला टेक्स्ट बॉक्स का एक ऑप्शन है, और टेक्स्ट बॉक्स को ऐसे ड्रॉ कर दीजिए और टाइप कीजिए। पहला जो स्टूडेंट का नेम है आप टाइप करेंगे नेम, और इसको कैपिटल करेंगे तो और भी अच्छा है। आप नेम टाइप करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, और उसका जो रोल नंबर है आप टाइप करेंगे, आप रोल नंबर आप ऐसे टाइप करेंगे, और उसका जो फादर है फादर का नेम क्या है टाइप करेंगे, और इसका जो एड्रेस है और फोन नंबर है इस तरीके से आप टाइप करेंगे। लेकिन ये जो फोन है ये गायब हो गया है। गायब हो गया इसका ये मतलब नहीं है कि फोन यहाँ पे नहीं है, है आपको दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि हर एक लाइन का स्पेस ज्यादा है। आप ये जो लाइन है जितने भी सारे लाइन है, नेम रोल नंबर फादर नेम और जो एड्रेस है फोन है, जितनी भी लाइन है इस सारे लाइन का स्पेस तो आप कम करके देखिए, फोन अपने आप आ जाएगा। कंट्रोल ए लगा के पहले ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर ही क्लिक कीजिए और कंट्रोल ए लगाइए, सारे के सारे टेक्स्ट आपका सिलेक्ट हो जाएगा। अब होम में जाना है, लाइन स्पेसिंग ऑप्शन आपको पैराग्राफ ग्रुप में दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कीजिए और रिमूव स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये वाला जो ऑप्शन है इसके ऊपर क्लिक कीजिए। देखिए फोन अपने आप आ जाएगा, क्योंकि वो जो लाइन का स्पेस था और स्पेस के हिसाब से वो नीचे चला गया था ये जो आउटलाइन के नीचे, इसलिए वो दिखाई नहीं दे रहा था। इतने टाइट नहीं रखना है और थोड़ा स्पेस ज़्यादा रखना है। फिर से आप कंट्रोल ए लगाइए और ये लाइन स्पेस वाला ऑप्शन में जाके 1.5 ऐसे कर दीजिए। देखिए ये हो गया है। अब आपको ये जो नेम है, रोल नंबर है, फादर है, एड्रेस है, फोन नंबर है, इसके आगे एक एक नेम और ये सब सारी चीजें आपको टाइप करना है। टाइप करने के लिए आप यहाँ पे पहले क्लिक कीजिए, नेम के आप साथ क्लिक कीजिए, इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे और देखिए ये जो वन है आपको ये टू के पास ही क्लिक करना है। देखिए ये जो मार्जिन, ध्यान रखिएगा ये मार्जिन सेंटर में टू के पास, ये टू के ठीक नीचे ही माउस का कर्सर ले जाना है और यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखिए एक कट आ जाएगा। आप पहले यहाँ पे क्लिक कीजिए नेम के पास, टैब लगाइए, आपका कर्सर यहाँ पे रुकेगा। शिफ्ट के साथ आप ऐसे सिंगल कलम को लगाइए, यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, फिर से आप टैब लगाएंगे, फिर से यहाँ पे रुक गया, आप शिफ्ट के साथ फिर से कलम लगाएंगे। इसी तरह आप हर एक लाइन के आगे एक एक सिंगल कलम लगा देंगे, ये और भी आपको अच्छा दिखेगा। ये हो गया है। अब चाहे तो ये सारे जो टेक्स्ट है इसको एक साथ बोल्ड भी कर सकते हैं, सिलेक्ट कीजिए और ये जो बोल्ड बी वाला जो ऑप्शन है बोल्ड है इसको सिलेक्ट कीजिए, ये थोड़ा मोटा आ जाएगा। अब आपको थोड़ा सा फिर से स्पेस लगाना है, टैब लगाना है, टैब जैसे लगाएंगे ये थोड़ा आगे चला जाएगा। अब इसका जो नेम टाइप कीजिए, जो भी स्टूडेंट का नेम होगा आप टाइप कर सकते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ जैसे कि अनुराग, आप कैपिटल में भी टाइप कर सकते हैं ANU। मैंने स्टूडेंट का नेम टाइप कर दिया, उसका रोल नंबर टाइप करने के लिए फिर से मुझे यहाँ पे क्लिक करना है और टैब लगाना है। मान लीजिए इसका रोल नंबर है 46, ऐसे मैंने टाइप कर दिया, और ये फादर का नेम फिर से यहाँ पे क्लिक किया, एक टैब लगाया राकेश, ऐसे टाइप करना है और अपना एड्रेस टाइप कर सकते हैं, और जो फ़ोन नंबर आप इस बच्चे का टाइप कर सकते हैं, मैं टाइप कर देता हूँ कुछ भी नंबर, ऐसे 10 डिजिट नंबर टाइप कर देता हूँ, मोबाइल नंबर 10 डिजिट होता है। ये हो गया है। अब मुझे क्या करना है, टेक्स्ट बॉक्स का आउटलाइन और इसका जो फील कलर है इसको मुझे नो आउटलाइन और नो कलर रखना है। फिर से मुझे इसके लिए जाना है फॉर्मेट में और शेप फील में जाना है, नो फील कर देना है, और शेप आउटलाइन में जाना है, नो आउटलाइन कर देना है। बिल्कुल आ गया है। अब फोटो रखना है, स्टूडेंट का फोटो रखना है। फोटो रखने के लिए आप जा सकते हैं इंसर्ट में और शेप में जाके ये जो रेक्टेंगल वाला जो शेप है इसको सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरीके से, और राइट क्लिक करके आप ऐड टेक्स्ट कर सकते हैं और फोटो टाइप कर सकते हैं, PHOT
TEO फोटो ऐसे टाइप कर सकते हैं। अब दोस्तों ऊपर स्कूल का नेम और आइडेंटिटी कार्ड लिखना है। पहले मैं स्कूल का नेम लिख देता हूँ, नेम टाइप कर देता हूँ। स्कूल का नेम टाइप करने के लिए फिर से आपको इंसर्ट में जाना है और शेप में आने के बाद ये जो टेक्स्ट बॉक्स वाला जो टूल है इसको ऐसे ड्रॉ करना है और अपना स्कूल का जो नेम है टाइप करना है। मैं टाइप कर देता हूँ श्रीराम पब्लिक स्कूल। आप अपने हिसाब से अपना स्कूल का नेम टाइप भी कर सकते हैं। इसको ऐसे सिलेक्ट करेंगे, बोल्ड करेंगे, इस यहाँ पे भी है, इसको ऐसे थोड़े राइट क्लिक करके इसको ठीक कर सकते हैं। पब्लिक स्कूल ये हो गया है। इसको भी आप अपने हिसाब से और भी ज़्यादा बढ़ा सकते हैं राइट क्लिक करके, वहीं पर ही आप इसका साइज़ और भी थोड़ा बढ़ा कर सकते हैं इस तरीके से। और ये जो लाइन स्पेसिंग वाला ऑप्शन है, लाइन स्पेसिंग यूज़ करके आप इसका जो लाइन का स्पेस है कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कीजिए, ये कम हो गया है, थोड़ा कम हो गया है, हो गया है, इसको आप थोड़ा ऊपर रख सकते हैं। और ये फिर से आपको फॉर्मेट में जाना है, सेप फिल में आना है, नो फिल कर देना है, और आउटलाइन कलर इसको आउटलाइन जो है नो आउटलाइन कर देना है, और फिर से इसको कंट्रोल ए देना है। और फॉर होम में जाके इसको और भी थोड़ा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, देखिए हो गया है, तरीके से आप रख सकते हैं और इसको थोड़ा ऊपर ले सकते हैं इस तरीके से। और इसका जो कलर है आप वाइट कलर रखेंगे, लिंक कलर के ऊपर वाइट कलर अच्छा दिखेगा। और इसके लिए पहले ये सारे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट कीजिए कंट्रोल ए लगा के, और जाना है ये टेक्स्ट फिल में, ये वाइट कलर वाला जो कलर है ले लेना है। ये हो गया है श्रीराम पब्लिक स्कूल। अब नीचे स्कूल का एड्रेस दे देना है। मैं फिर से इंसर्ट में जाऊँगा, सेप में आऊँगा और टेक्स्ट बॉक्स, छोटा सा टेक्स्ट बॉक्स ड्रॉ करूँगा और टाइप कर दूंगा जो स्कूल का एड्रेस है। मैं टाइप कर देता हूँ ऐसे, मैं टाइप कर देता हूँ कंट्रोल ए लगा के, इसको छोटा कर दूंगा, इसका साइज़ बहुत छोटा करूँगा, नहीं तो ये नहीं दिखेगा ठीक से। इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा इसको बड़ा कर लूँगा इस तरीके से, ये हो गया है। अब फिर से मुझे जाना है फॉर्मेट में, सेप फिल में आना है, नो फिल कर देना है, और जो आउटलाइन है इसको भी नो आउटलाइन कर देना है। कंट्रोल ए लगा के इसको भी मैं वाइट कलर ही कर दूंगा, ये वाइट कलर में अच्छा दिखेगा, हो गया है। अब पिन देना है, पिन कोड इसको मैंने ऐसे टाइप कर दिया और इसको थोड़ा नीचे रख दिया इस तरीके से, हो गया है। अब मुझे आइडेंटिटी कार्ड लिखना है, टाइप करना है यहाँ पे, तो मैं फिर से इंसर्ट में जाऊँगा, सेप में आऊँगा, टेक्स्ट बॉक्स लेके आइडेंटिटी कार्ड, सारा काम टेक्स्ट बॉक्स लेके ही होता है दोस्तों। आप एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए, ये हो जाएगा। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं और उसमें इंसर्ट मेन्यू को आप अच्छे से नहीं सीखा, हर एक ऑप्शन को, जैसे कि कवर पेज है, टेबल है, पिक्चर है, मैंने भी एक एक ऑप्शन के लिए वीडियो बनाया है, जैसे कि टेबल के लिए है, पिक्चर के लिए है, सेव के लिए है, आप उस वीडियो को देख सकते हैं। या फिर कोई ऑफलाइन कोचिंग से भी आप, इंस्टीट्यूट से भी आप सीख रहे हैं तो उनको कहिए कि इंसर्ट मेन्यू वो अच्छे से पढ़ाएं। आइडेंटिटी कार्ड टाइप करेंगे, आइडेंटिटी कार्ड इसको भी आप कंट्रोल लगाएंगे, कंट्रोल ए लगा के बड़ा करेंगे और बोल्ड कर देंगे, बीच में रखेंगे इसको, थोड़ा आप साइज़ इस तरीके से आप बड़ा कर सकते हैं, और इस तरीके से भी कंट्रोल ए लगा के इसको भी आप थोड़ा बड़ा कर लीजिए इस तरीके से। और फॉर्मेट में जाना है, सेप फिल में जाना है, नो फिल, और टेक्स्ट आउटलाइन इसको नो आउटलाइन कर देना है। इसको भी आप वाइट कलर ही रखेंगे, ये अच्छा दिखेगा, हो गया है। इसको आप साइड करेंगे, ऊपर रखेंगे इस तरीके से, ये हो गया है। नीचे आप स्टूडेंट का सिग्नेचर और प्रिंसिपल का सिग्नेचर भी रख सकते हैं। तो फिर से आप इंसर्ट में जाएंगे, सेप में लाके टेक्स्ट बॉक्स लाके ऐसे दे सकते हैं। मैं टाइप कर देता हूँ स्टूडेंट सिग्नेचर, कंट्रोल ए लगा के इसको आप साइज थोड़ा कम करेंगे, नहीं तो ये नहीं दिखेगा, क्लिक कीजिए, थोड़ा ऐसे बड़ा कर दीजिए, राइट क्लिक करके इसको सही भी कर सकते हैं स्टूडेंट सिग्नेचर, और कंट्रोल ए लगा के थोड़ा और बढ़ाएंगे इस तरीके से। फॉर्मेट में जाके सेप फिल में आके नो फिल करेंगे और सेप आउटलाइन में इसको नो आउटलाइन कर देंगे इस तरीके से, हो गया है। तो आप होम में जाके वाइट कलर कर देंगे तो ये भी और भी अच्छा दिखेगा आपको, थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिए इसको स्टूडेंट सिग्नेचर, ये हो गया है। अब नीचे इस तरीके से इसको रख देंगे, ये हो गया। अब आपको इसको ही डुप्लीकेट बनाना है, डुप्लीकेट बनाने के लिए कंट्रोल के साथ डी प्रेस कीजिए, ये हो गया है। आप इसको ड्रैग करते हुए इस तरीके से आप ले आ सकते हैं और टाइप करेंगे प्रिंसिपल या फिर हेडमास्टर सिग्नेचर, मैं प्रिंसिपल ही टाइप कर देता हूँ, प्रिंसिपल, हो गया है। इसको आप ऐसे सिलेक्ट करेंगे, इस तरीके से आप रख देंगे, स्टूडेंट जो स्टूडेंट होगा वो सिग्नेचर करेगा और इस तरफ वो जो प्रिंसिपल होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। तो स्टूडेंट्स का भी डिटेल आ गया, स्कूल का नेम, स्कूल का एड्रेस और आइडेंटिटी कार्ड यहाँ पे भी लिखा आ गया है, यहाँ पे उनका फोटो लगेगा। दोस्तों ये थोड़ा मैंने थोड़ा बहुत टिप्स बताने की कोशिश किया है आईडी कार्ड बनाने के लिए। आप
अपने हिसाब से आईडी कार्ड डिजाइन कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा आईडी कार्ड, जब भी आप आईडी कार्ड डिजाइन करें तो इंसर्ट मेन्यू का काम बहुत है, आप इंसर्ट मेन्यू को अच्छे से सीखें। अगर आप किसी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट से भी आप सीख रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख रहे हैं, एमएस ऑफिस कोर्स कर रहे हैं, उनको आप कहिए कि इंसर्ट मेन्यू का हर एक चीज, हर एक जो ऑप्शन है आपको बारी बारी से पढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, आगे भी इस तरीके से वीडियो आपको टाइम पर मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए।